और अब कुछ खबरें तिजारती दुनिया से। हुकूमत ने अवाम पर बिजली बम गिरा दिया और कीमत में 7 रुपए 96 पैसे फी यूनिट मजीद इजाफा कर दिया। जराए के मुताबिक बिजली का बुनियादी टैरिफ 3 से 7.5 रुपए तक फी यूनिट बढ़ा दिया गया, जबकि विफाकी काबिने ने बुनियादी टैरिफ बढ़ाने के लिए सर्कुलेशन समरी मंजूर कर ली। जराए का कहना है कि बिजली की कीमतों में इजाफे का इतलाक 1 जुलाई से करने की तजवीज दी गई है, जबकि हुकूमत ने बुनियादी कीमत बढ़ाने के लिए दरख्वास्त नेपरा को दे दी। जराए ने मजीद बताया कि नेपरा विफाकी हुकूमत की इस दरख्वास्त पर समाप्त के बाद फैसला देगा। हुकूमत नेपरा के फैसले के बाद इजाफे का नोटिफिकेशन जारी करेगा। 100 यूनिट वाले घरेलू सार्विन के लिए 3 रुपए 101 से 200 यूनिट वाले सार्विन के लिए 4 रुपए 201 से 300 यूनिट तक 5 रुपए 301 यूनिट से 400 यूनिट तक 6 रुपए 50 पैसे और 400 से 700 यूनिट वाले सार्विन के लिए 7 रुपए 50 पैसे फी यूनिट बिजली की कीमत में इजाफे की तजवीज है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेरे सदारत स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का दूसरा इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने ख़ासूसी शिरकत की। इजलास में वज़ीर-ए-आला विफाकी और सूबाई वज़रा और आला हुकाम ने भी शिरकत की। इजलास के ऐलान के दौरान एपेक्स कमेटी ने SIFC की कारकर्दगी, सेमिनार्स और सरमायाकारों तक रसाई की हिकमत अमली पर इत्मीनान का इज़हार किया। एपेक्स कमेटी ने SIFC के तहत सरमायाकारों के लिए तैयार कर मुख्तलिफ मंसूबों का जायजा लिया। वज़ीर-ए-आज़म ने ज़राअत, हैवानात, मालियात, कानूनी, IT और तवानाई के शोबों में सरमायाकारी के लिए मंसूबों की मंजूरी दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने हदायत की कि मंसूबों पर अमल दरामद और अमली शक्ल देने के लिए सरमायाकारों को भरपूर सहूलियात फराहम की जाएंगी। हुकूमत ने इस्लामाबाद, लाहौर और कराची एयरपोर्ट्स को आउटसोर्स करने का फैसला कर लिया। पहले इस्लामाबाद एयरपोर्ट को आउटसोर्स किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद एयरपोर्ट आउटसोर्स करने की तैयारी शुरू कर दी गई। मौजूदा हुकूमत के खात्मे से कब टेंडर जारी कर दिया जाएगा। टेंडर बैनुल अक़वामी अखबारात में जारी किया जाएगा। आउटसोर्सिंग के लिए कमेटी ने अमली इकदाम शुरू कर दिए। दूसरे मरहले में लाहौर और कराची एयरपोर्ट्स को आउटसोर्स किया जाएगा। स्कर्दू एयरपोर्ट को भी आउटसोर्स करने पर गौर किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक कामयाब बोली दहिंदा कंपनी एयरपोर्ट के अंदर सहूलियात में इजाफे की जिम्मेदारी होगी। कंपनी आर्मी ब्रांड्स और ड्यूटी फ्री दुकानें खोलने का एहतमाम करेगी। कामयाब बोली दहिंदा कंपनी एयरपोर्ट की इमारत की तज़ीन व आराइश, मरम्मत और सफाई समेत तमाम अमूर की जिम्मेदार होगी।